हेलो गाइस, दिस इज मनोज भंडारी, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का जो वर्कआउट है वो है बैक वर्कआउट। और बैक वर्कआउट ऐसा है आपकी मसल ग्रोइंग के लिए, मतलब मसल गेनिंग के लिए ये वर्कआउट है। और स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं सारी, और कंपाउंड कुछ मोमेंट्स हैं इसमें, और लास्ट में जो मैंने एक्सरसाइज डाली है उसमें आइसोलेशन एक्सरसाइजेस हैं। बट इस वर्कआउट की खासियत क्या है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा रैप लेने की जरूरत नहीं। जो पहला या दूसरा सेट आपको होगा उसमें थोड़ा सा वार्म अप में आप ज़्यादा ले सकते हो, बट जो आपका जो वर्कआउट वाला सेट होगा, लास्ट वाला सेट होगा जो, उसमें आपको सिर्फ 5 रैप्स, तो 5 रैप्स वर्कआउट है ये। 5 ही रैप आपको लेने हैं। और 5 रैप कैसे लेने हैं आपको, बहुत कंट्रोल मोमेंट में आपको पुल करना है, और कंट्रोल मोमेंट में आपको वेट को लीव करना है। मतलब कंट्रैक्शन बहुत जरूरी है, मसल माइंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है वहां पे, जो आपका लास्ट सेट होगा तभी आपका मसल फटीग होएगा। और वेट हैवी से हैवी रखना, जो आपका 5वां रैप भी बहुत मुश्किल से निकले। तो गाइज, ये जो बैक का वर्कआउट है ये मसल गेनिंग के लिए, इसको वीक में एक बार आपको करना है। तो गाइज, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट जरूर करना। और मैं नेक्स्ट वर्कआउट में आपको मिलूंगा, तो आप बैक वर्कआउट एंजॉय करो। सो गाइज, वर्कआउट करने से पहले ध्यान रखना, वार्म अप बहुत जरूरी है, 5 से 10 मिनट लोकल एरिया वार्म अप जो होता है आपके ज्वाइंट्स के लिए, मोबिलिटी के लिए। सो ऑलरेडी मैं वार्म अप कर चुका हूँ। और ये पहली जो एक्सरसाइज है बेंट ओवर बारबेल रो, इसके मैं 4 सेट लूंगा, और पहला सेट थोड़ा वार्म अप का होगा, और उसके बाद जैसे सेट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको फ्लेक्स करना है, और हर सेट में आपको थोड़ा थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है, और ताकि 2-3 जो सेट हों आपके वार्म अप सेट हों, अच्छी तरह से मसल खुल जाए। और ये वाली एक्सरसाइज ऐसी है कि मतलब बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर और जितने भी फिटनेस आइकन है, मतलब ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है बैक की एक्सरसाइज के लिए, और थोड़ा सा आपका ग्लूट्स पे भी आता है, और लोअर बैक आपकी अच्छी स्ट्रांग होती है इससे, और आपका जो मिड बैक है, अपर बैक है, और जो रोम्बॉइड मसल है, लोअर बैक है, उसके लिए एक्सरसाइज है। बहुत ही बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरी मतलब फेवरेट एक्सरसाइज है मतलब ये बैक की। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके बाद आपको पोज दोगे तो बहुत अच्छी तरह से मतलब वहाँ पर ब्लड का अच्छी तरह से फ्लो होगा। ये मेरा लास्ट सेट है, मतलब लास्ट सेट में आपको हैवी लिफ्ट करना है, बट आप बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। और जब आप ये वाली लास्ट वाला जो सेट करोगे तो बहुत ही मतलब स्मूथली आपको करना है, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे बॉडी मतलब वेट को खींचना, और उसी इसमें माइंड मसल कनेक्शन में आपको वेट को छोड़ना है। सो जैसे सेट कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको फ्लैक्स करना है। फ्लैक्सिंग बहुत ज़रूरी है हर एक्सरसाइज के बीच में, अगर आप करते हो तो मसल अच्छी तरह से हार्ड हो जाता है, डेफिनेशन में रहता है। तो सेकेंड एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट सिंगल हैंड रो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। और इसको ये एक्सरसाइज मतलब इसमें आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में मिल जाता है। जब आप डंबल को रो करते हो तो आपका ऊपर तक मतलब आपकी एल्बो आती है, तो आपको फुल रेंज मिल जाती है, और जब नीचे ड्रॉप करते हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन में आप डंबल को नीचे आप करोगे तो मसल अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। सो इसके भी 3 सेट आपको करने हैं, और हर सेट में थोड़ा थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मतलब ये एक्सरसाइज आप करते हो मतलब, तो मैंने कई देखे मतलब बिल्कुल सामने चेस्ट के सामने ही वो डंबल को खींचते हैं, तो वैसे नहीं करना है। तो उससे आपका क्या है, उससे आपके बाइसेप्स पे आएगा, आप फुल स्विंग लाओ मतलब पीछे की तरफ। ये मेरा लास्ट सेट है, हैवी से हैवी डंबल लिफ्ट करना है, और बहुत धीरे से आपको मतलब नेगेटिव में जाना है नीचे, और ऐसे ही आपको रो भी करना है। मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, ये नहीं कि मैं वहीं पे अप एंड डाउन करूंगा, है ना, ये नहीं करना है, तभी आपका मतलब बैक मसल अच्छी तरह से खींचेगा। और इसके 5 रैप्स लेने, 5 रैप्स अच्छी तरह से लेना, अपनी बैक का ध्यान रख के मतलब बैक को स्ट्रेट रखना है, सामने ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना, ऊपर देखोगे तो आपकी मतलब नेक पे स्ट्रेन आने का डर रहेगा। सो जैसे एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज जिस मसल पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हो उसको बीच बीच में स्ट्रेच करना ज़रूरी है, ताकि अच्छे मतलब मसल फाइबर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए, और ब्लड का अच्छी तरह से वहाँ पे फ्लो हो जाए। और वर्कआउट के बीच में मैं बीच में BCAA लेता हूँ, अमीनो एसिड्स, ताकि मसल फटीग ना हो, अच्छी तरह से मतलब रिपेयर होते रहें। और रेस्ट पीरियड जो हर सेट में आपका रहेगा 90 सेकेंड रहेगा, 90 सेकेंड आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस से ये हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तो 90 सेकंड रिकवरी के लिए रेस्ट ज़रूरी है। और उसके बाद मैं करूँगा लैट पुल डाउन 3 सेट्स करने हैं, और पहले सेट में मॉडरेट वेट है, 7 से 8 रैप मैं लूँगा मतलब, ताकि मसल अच्छी तरह से वार्म हो जाए। और ये अपर बैक आपकी मतलब बैक की जो थिकनेस है, मतलब जो वी शेप बैक होती है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और ऐसे ही मतलब हर सेट में आपको थोड़ा थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करना है।
और बैक का देखो वर्क मसल तभी गेन होता है जब आप अच्छी डाइट ले होंगे, मतलब न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत ज़रूरी है। देखो जब भी आप वर्कआउट करते हो ना तो 80% आपका न्यूट्रिशन इसमें मायने रखता है, मतलब आप क्या खा रहे हो दिन भर में, क्या कितनी मील है आप, कितना प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हो, कितना फैट इनटेक कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 80% तो आपका डाइट पे ही होता है और 20% आपका मतलब जो वर्कआउट और आपका लाइफस्टाइल है उस पे। तो लाइफस्टाइल भी आपको ऐसे ही बनाना है, मतलब कि अपना खाना, अपना डाइट, अपना मतलब जो भी है, मतलब वो अच्छी तरह से हो, तभी आपका मतलब मसल भी गेन होगा अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिम सब जाते हैं बट न्यूट्रिशन कोई फॉलो नहीं करता है। सो फ्लैक्स करना बहुत ज़रूरी है, मैंने जैसे बोला है। और अब मेरा लास्ट सेट है, मतलब लास्ट सेट में मैं 5 ही रैप लूँगा और हैवी लिफ्ट करूँगा, बट 5 रैप ऐसे लेने हैं, मतलब इतना आपको फोकस करना है, मतलब क्योंकि कई बार देखा है मैंने लोग एक्सरसाइज करते हैं इधर उधर अपने मोबाइल में ध्यान रखते हैं, इधर उधर अपना और सेट मारा निकल गए। नहीं, जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज करो, देखो मैं 3 से 4 सेकेंड लगा रहा हूँ ऊपर बार को छोड़ने में, ऐसे आपको मतलब नीचे स्क्वीज करना है, पाउच करना है और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, ताकि मसल जो मेरा बैक है लैट्स अच्छी तरह से मतलब उस पर फोकस करना है, स्क्वीज हो मतलब और स्ट्रेच हो जब ऊपर जाओ। तो 5 ही रैप लेने, हैवी लिफ्ट करना है। Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Like, zarur karna.